हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैट के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज है 21 नवंबर 2019 और आज के डेट पर सहायक शिक्षक विज्ञान वर्ग 3 हिंदी माध्यम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और कल ही अंग्रेजी माध्यम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ओके, वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए। लेकिन अभी तक आज के तिथि में वर्ग 3 का रिजल्ट आया है, हिंदी माध्यम का वर्ग 2 का अभी तक नहीं आया है। क्या पता शाम तक आ जाए, रात तक आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी हमारा रिजल्ट शो हो रहा है ई कैडर और टी कैडर के लिए, हमने जिसमें जिलों को सिलेक्ट किया था उन जिलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर रैंक दिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिला वाइज रैंक दिया गया है, है ना। और ये रैंक कैसे है, क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट है, ओके, और इसमें हम समझेंगे कि ये जो आपको रैंक प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उसका मतलब क्या है। क्या हम पूरे ज़िले में टॉप किए हैं या ज़िले में जो रैंक दिया है वो उतना नंबर है हमारे पास, क्या है, कैसे, सारा चीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आप शिक्षक भर्ती संबंधित एग्जामिनेशन दिए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम ढेर सारी नए वीडियोज आपको लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जिला वाइज यहाँ पर रिजल्ट मैं शो कर रखा हूँ। हम किसी भी जिला का ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बलौदा बाजार ई कैडर का ले लेते हैं, ओके। चाहे आप हिंदी माध्यम वाले हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम वाले हो, दोनों के लिए सेम चीज़ है और सेम यही ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो आप इसके से समझ सकते हैं कि आपका रैंक का क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखिए, मेरा यहाँ पर एक दिया गया रिजल्ट में यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो बलौदा बाजार का रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं, ये ई संवर्ग का है, इसमें ओवरऑल रैंक 1525 है, ठीक है। मैंने जिस अभ्यर्थी का रिजल्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ उसका ओवरऑल रैंक 1525 है, कौन से जिले में, बलौदा बाजार के ई संवर्ग में, और कैटेगरी रैंक है 106, ओके। कैटेगरी रैंक कितना है, 106 है, ओके। अब ये है क्या चीज़, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये ऐसा है फ्रेंड्स कि बलौदा बाजार के ई संवर्ग में पूरे छत्तीसगढ़ से जितने लोगों ने फॉर्म डाला था, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, उन सब से जितने लोग डाले थे उन सब में से इस व्यक्ति का रैंक, ओवरऑल रैंक 1525 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सरगुजा का कोई बलरामपुर का आदमी हो, बलौदा बाजार में ना डाला हो, तो उसका इसमें इंक्लूड नहीं है। कहने का तात्पर्य मैं फिर से वही दोहराता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में से जितने लोगों ने बलौदा बाजार के ई संवर्ग में फॉर्म भरा था वर्ग 3 के लिए, उन सभी व्यक्तियों में से इस व्यक्ति का रैंक 1525 है। अब ये व्यक्ति है इस एससी संवर्ग से बिलोंग करता है, मान लेते हैं जिसका हम रिजल्ट देख रहे हैं वो एससी संवर्ग से बिलोंग करता है। तो कुल छत्तीसगढ़ से जितने एससी लोगों ने बलौदा बाजार के ई संवर्ग में जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से इस व्यक्ति का रैंक 106 आया है, ठीक है, 106 इन्होंने प्राप्त किया है। इसी तरह से आप जिस भी जिले से समझना चाहते हैं सब इसी पर फॉलोअप होगा, ठीक है। ई संवर्ग, टी संवर्ग, सब यही सेम चीज़ है, इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है समझने को लेकर। अब मान लेते हैं कि यहाँ फीमेल रैंक आ जाता है यहाँ पर, तो वैसे ही इसमें लागू होता है ना। मान लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी रैंक आ जाता है यहाँ पर 115 आ जाता, सॉरी फीमेल रैंक 115 आ जाता, ओके, और फीमेल कैटेगरी 116 आ जाता, मान लेते हैं, ओके, ये इस पर जाता और ये इस पर जाता, ओके, मान लेते हैं। जैसे कि आप फीमेल हैं तो आपके पास फीमेल रैंक आएगा, फीमेल कैटेगरी रैंक आएगा। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिलासपुर के ई संवर्ग में पूरे छत्तीसगढ़ के जितने फीमेल लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से इनका रैंक 115 आया है। और मान लेते हैं कि ऐसे कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और फीमेल कैटेगरी हैं, तो बिलासपुर के ई संवर्ग में पूरे छत्तीसगढ़ से एससी महिला लोगों ने जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से आपका रैंक 116 है, ठीक है। तो ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने प्रयोगशाला के लिए रैंक को समझाया था वही है, इसमें कोई बहुत कठिन वाली चीज़ है नहीं। फिर भी अगर आपको कठिन लग रहा है तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये रैंक एनालिसिस, ये रैंक हो गया कि रैंक को कैसे समझे, क्या है, कैसे समझे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में और एनालिसिस करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मैं और अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।